मध्य प्रदेश में हुए आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करने वाली घटना पर कांग्रेस ने निंदा की है। इसी को लेकर झारखंड के अलग अलग जगह पर कांग्रेसी मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का पुतला भी फूंक रही है। वहीं रांची में भी फिरायलाल चौक पर बीजेपी के नेताओं का पुतला फूंका गया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा के एक विधायक प्रतिनिधि ने आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर देश के आदिवासियों और दलित समाज का घोर अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी दलितों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा के लोग पहले भी कई बार महिलाओं को अपमानित कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ केंद्र की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, दूसरी ओर महिलाओं को अपमानित करने का काम करती है। मोदी जी बताएं कि क्या भाजपा के लोगों से भी महिलाओं को बचाना होगा। आज भाजपाइयों की इस कार्यशैली के विरोध में पूरे देश में एमपी के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया है। इसी के साथ हम लोग ने पूरे देश से भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। घटना सामने आई है, कल अमानवीय दृश्य और अमानवीय कृत्य सामने आया है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता भी अब इतने अहंकार में डूब गए हैं कि वो पहले तो अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा होता था, लगातार उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ हो रहा है, अब मध्य प्रदेश में लगभग 4000 की संख्या में आदिवासियों पर इस तरह का अत्याचार और दुराचार हुआ है पिछले 18 वर्षों में। तो हम इस मामले में आदरणीय जो हमारे बाबूलाल मरांडी जी हैं, जब इस तरह की घटना सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लड्डू बट रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी कि बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी से इतना नहीं हुआ कि इस घटना की अब तक कोई निंदा भी कर दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके लिए महत्वपूर्ण है, आदिवासी दलित और अल्पसंख्यक उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं समझता हूँ इस घटना की निंदा सभी दलों के लोगों को करनी चाहिए। आज हम लोगों ने पूरे प्रदेश में पुतला दहन का कार्यक्रम रखा है, पूरे प्रदेश में इस तरह का कार्यक्रम किया गया है, और शिवराज चौहान जो वहाँ के भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं उनसे हम मांग करते हैं कि आप उस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए, अन्यथा वहाँ के राज्यपाल और देश के प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा लिया जाए। देश के प्रधानमंत्री जो आदिवासी का अपने आप को हितैषी का ढोंग रचते हैं, आदिवासियों को तरह तरह की बात बोल के बरगलाते हैं, ये देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा आदिवासी का माथा में पेशाब कराया जा रहा है, बता रहे हैं। ये कितनी विडंबना, भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी नेताओं को तो डूब के मरना चाहिए, बता रहे हैं चुल्लू भर पानी में। बताओ इससे भी बुरा दिन माथा में पेशाब करवाया जा रहा है। आप किस तरह से दलित आदिवासी का यहाँ पर आप इनके द्वारा उनके साथ में व्यवहार करते हैं। बाबूलाल मरांडी को चुप्पी तोड़ना चाहिए। आज जो हालात है देश में आदिवासियों का, दलितों का और आदिवासी के साथ जो हुआ, ये कतई माफ करने लायक नहीं है। इसलिए आदिवासी को इसको सोचना होगा, आदिवासियों को सोचना होगा उसमें, और भारतीय जनता पार्टी में जो बड़े बड़े अपने को बड़े आदिवासी के हित बताते हैं, उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।